तो गाइस फिलहाल अभी हम हैं नार्कोस में एंड ये मैं हाँ तो ये जो प्लेस है ये रिसेंटली ओपन हो रखा है। बाकी बहुत ही प्यारा इंटीरियर है इसका, है ना। अगर मैं आपको इसका सीलिंग दिखाता हूँ एक मिनट को, वो पूरा ग्लास वाला पर रखा है, ये पूरा है। एंड फिर यहाँ से भाई ये पहाड़ का जो व्यू आ रहा है वो पूरा तने आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद आफ्टर वी ऑर्डर समथिंग, चल तब तक तुम देख लो क्या ऑर्डर करना है ना, तब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ कि वहाँ से जो गेट है हम वहाँ पर जाएंगे एंड वहाँ से बाहर से जाके कुछ फोटोज क्लिक कर सकते हैं, है ना। एंड ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम यहाँ पर आएंगे, बस रास्ते में हम आ रहे थे एंड वी वर प्लानिंग कि हम जाएंगे मोमोज खाएंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। बट यहाँ पर आते आते फिर माय फ्रेंड पूजा शी वाज लाइक चल यार कि यहाँ पर चलते हैं कि ये कुछ अच्छा जगह है करके, तो हम बस आ गए यहाँ पर और अच्छी ऑर्डर करते हैं एंड आपको भी रूबरू कराते हैं इस प्लेस से। गाइस वॉशरूम अभी आया था, बहुत अच्छा है एंड खुश भैया की भाई मज़ेदार है। एंड अभी हम जस्ट मसी रोड से वापस आए, ये राजपुर में है, मज़ेदार। मतलब मुझे ये बेसिकली शीशा बहुत प्यार लगा तो आई थॉट कि आपको दिखा दूँ कि भाई वॉशरूम भी बहुत अच्छा है यहाँ का। बाकी अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फ्रेंड भी बाहर वेट कर रही है, तो मिलते हैं गाइस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बाद में कहीं से बाहर दिखाऊंगा, मैं कहीं और से दिखेगा नहीं, शायद यहीं से दिखेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो आपको आगे जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, यहाँ से पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको फ़ोन में वीडियो बना के थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। तो वो प्लेस ऐसा है कि वो एक्चुअली जेल था, बहुत पुराना जेल था वहाँ पर। वो जेल क्या हुआ, कब बंद हुआ था कुछ पता है? अंग्रेजों के टाइम पर ही होगा वो। भाई विमेन के लिए वो जेल था, अलग से स्पेशल जेल। एंड जहाँ तक वो कंस्ट्रक्शन थे ना, वो लग रहा है ना कि वो पुराने टाइम का है, जब से राजपुर में मेन ब्रिटिशर्स टाइम था ना, हाँ जब अंग्रेज लोग थे तब का वो बिल्डिंग जो है वो तब का बन रखा है वो, क्योंकि जिस प्रकार से उसका डिज़ाइन वगैरह है ना एंड जो पत्थर वगैरह से बना रखा है वो, तो इट प्रीटी मच लुक्स लाइक कि जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग थे यहाँ पर तब से बन रखा है। एंड दैट वॉज स्पेशली फॉर मोस्टली फॉर दी विमेन, आई मीन नॉट मोस्टली, दैट वॉज फॉर दी विमेन। चलो बाकी अभी हम कुछ ऑर्डर करते हैं एंड आपको यहाँ के खाने का टेस्ट बताएंगे कैसा है, रिव्यू देंगे, है ना। बाकी और इस प्लेस का और कुछ वीडियोस भी निकालेंगे, बट कुछ कुछ काफ़ी यहाँ पर क्राउड भी है तो आई डोंट थिंक मैं सबको ले पाऊँगा, सब चीज़ दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि वो वीडियो पर आए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि जो आप वीडियो बनाते समय आपको देखना पड़ता है ना। बाकी एक बार बस एक बार ओवरऑल देख लो सबका, है ना। बाकी हम वहाँ पर आके जब वीडियो बनाएंगे तब आपको कुछ बाहर का लोकेशन दिखा देंगे और यहाँ पर भी कुछ जगह है तो यहाँ कभी दिखाएंगे। चलो मिलते हैं फिर। फिलहाल अभी हम कर रहे हैं ऑर्डर और चलो डिसाइड करते हैं फिर बताते हैं। यू नीड टू हैव एन एपेटाइट यू नो, सो केसडिया करें मतलब एक ही कर लेते हैं, एक कुछ ट्रायल एंड टेस्टेड, सो वन नॉन वेज।
सो गाइस दिस इज नॉन वेज मेडिटेरियन प्लेटर. सो रेडी टू ईट? चलो खाते इसको, आपको बताते कैसा है ये. गाइस दिस इज चिकन केसिडिया. सो गाइस फाइनली पेट भर चुका है. पेट भरा तेरा? बट वी स्टिल हैव रूम फॉर डिजर्ट. हाँ वेफल्स हमने ऑर्डर कर रखा है डिजर्ट के लिए. खाना खा लिया, खाना जो भी था हमने ऑर्डर करा था आपको बताया था खा लिया. कुछ और भी दिखाते हैं आपको. यहाँ से देखो ये छत, देखो ये जैसे कोई रूफ है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है. आपको ऐसे दिखाता हूँ ये है. यहाँ से मैंने आपको दिखाया था उस तरफ जो जेल था. बाकी एक बार यहाँ से दिखाता हूँ मैं. यहाँ से ये कहता हूँ ये पूरा झड़ी पानी वाला नहीं शिखर फॉल वाला एरिया राइट. तो ये जो जो ये प्लेस है इसके नीचे की तरफ ये शिखर फॉल वाला एरिया है ना. यहाँ से शिखर फॉल भी हम जाते हैं. स्विमिंग पूल एक इस तरह कहीं पर स्विमिंग पूल है जो यहाँ का लौता स्विमिंग पूल है. तो अगर आप इधर पर जाते तो स्विमिंग पूल में मतलब जाते हो. और यहाँ से मसूरी जाने का है ना, यहाँ से मसूरी जाने का ट्रैक का रास्ता भी शुरू होता है यहाँ से. तो आप यहाँ कभी आते हो आपको ट्रैक करना है ना, तो आप यहाँ से मसूरी के लिए ट्रैक भी निकल सकते हो. एंड ये नारकोस कैफ़े है. नारकोस कैफ़े के जस्ट देखो ये रास्ता दिख रहा. यहाँ पर जब लास्ट टाइम आए थे हमने वहाँ पर गाड़ी जहाँ वो गाड़ी पार्क हो रखा है वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी. फिर हम यहाँ से दूसरे उसमें गए थे है ना. ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, नीचे से आ रहा है और यही रास्ता है जो वो आगे से जा रहा है ना. तो आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर मतलब बहुत सारे चीज़ है. एंड यहाँ पर आने का आपको एक बेनिफिट है कि आपको यहाँ पर लोकेशन जो है ना मतलब बहुत ही प्यारा है. यहाँ का इंटीरियर वगैरह है तो चीज़ें फोटोज़ ले कर सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो, रील्स मस्त मस्त बना सकते हो है ना. चलो बाकी ये अभी हम अपने वेफल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, वेफल्स का इंतजार कर रहे हैं और फिर बाद में आपको कुछ शॉट्स. एक लोकेशन एक वो भी है जो वहाँ पर है ना. फिर उसके बाद फिर कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पर क्लिक करेंगे एंड बस दिखाते हैं आपको. फिर गाइस वो वेटिंग फॉर आर डिजर्ट वेफल्स जो हमने ऑर्डर करके थे. एंड तब तक मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स निकाले एंड कुछ रील शॉट्स निकाले. बाकी यू नो एज आई टोल्ड यू बिफोर इन दी प्रीवियस व्लॉग, मतलब ऑलमोस्ट हर बार ही बोलता हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम का फेसबुक पेज के लिंक्स होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ. तो इफ यू गाइस वांट टू चेक माय रील्स एंड ऑल तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा है ना. बाकी तेरा लिंक डालना डिस्क्रिप्शन में. अच्छा तो मेरे रहेगा, आप चेक कर सकते हैं है ना. एंड अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो टैग कर सकते हो. आई कैन मेंशन यू ऑन माय स्टोरी एज वेल है ना. चलो फिलहाल तो यही है, वेफल्स का इंतजार कर रहे हैं. पेट तो भर रखा है बट फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, मैंडेटरी है. तो बस अभी तो यहाँ पर बैठ के ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है ना बाहर का मतलब बहुत ही अमेजिंग है. पूरा पहाड़ से पूरा भर रखा है ना. जैसे बोला वैसे आ गया. ये रहा हमारा वेफल्स. तो गाइस वेफल्स आ गया. चलो अब फिलहाल आ गया है. मैं बाकी आगे बकवास नहीं करूँगा, सीधा लेट्स विल जंप और खाते हैं और आपको बताते हैं. हाँ दूसरी चीज़ मैं फूड का रिव्यू भी आपको दूंगा क्योंकि यहाँ का रिव्यू मतलब एम एस से मुझे देना चाहिए है ना, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हमें. बाकी रिव्यू देता हूँ अभी बाद में. दोस्तों मुझे अभी एक और चीज़ पता चला. फिलहाल वेफल्स के साथ आ रखा है हमारे पास ये है बटर राइट एंड देन ये है मेपल सिरप. मेपल सिरप अभी हमें मुझे ना बताया कि ये आता है कनाडा से क्योंकि वहाँ पे मेपल ट्रीज़ आपको पता है बहुत फेमस है ना. तो ये मेपल सिरप इट्स अ वीगन टाइप ऑफ हनी
जो कि मुझे अभी सब इसने बताया. हनी इज एन एनिमल प्रोडक्ट, राइट? तो हनी बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट है और ये मेपल सिरप जो है वो वेगन टाइप ऑफ हनी है. तो आप अगर आप देख सकते हो तो मैंने इन सारे ब्लॉक्स के अंदर बटर और मेपल सिरप डाल रखा है. अब बाद में क्या डाल दिया है, रेडी हो चुका है. अब मैं इसे अंदर पेट के अंदर डालूंगा. अब मिलते हैं, आप टेस्ट बताऊंगा फिर बाद में. सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, मतलब बाहर एकदम बाहर नहीं बट उस कैफे के बाहर. यहाँ पर कितना अलग सा व्यू आ रहा है एंड फील भी अलग सा आ रहा है. यहाँ से कुछ चीज़ें आपको अलग से देखनी है अच्छे से, तो ये देखो आप. बाकी उस तरह मैंने जो दिखाया था उधर वो था जेल. ये व्यू देखो भयंकर. एंड उस तरफ रहा था कि वहाँ से जो ये रास्ता आ रहा है ये क्या तो शिखर फॉल के लिए जा रहा है ना. एंड वो रास्ता आप दिख रहे हो तो वो रास्ता यही वाला रास्ता जो जा रहा है यहाँ से. एंड ये आगे इस तरफ जेल है, इस तरफ कहीं पर नीचे आके स्विमिंग पूल है जहाँ पर आप देखते हो वहाँ पर एक वेडिंग भी हो रहा है. बाकी ये जगह है यहाँ पर कितना प्यारा व्यू आ रहा है. एंड ये यहाँ से पूरा अपना कैफे तपोभूमि. क्या है तपोभूमि? क्या है तपोभूमि? तपोभूमि. ओके तपोभूमि है इस जगह का नाम भाई. इससे पूछो ये यहीं पर ही आसपास ही रहती है तो इसे सारा चीज़ पता है. बाकी फ़िलहाल बस ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए थे. और पेट हाँ रिव्यू देना बचा था तो गाइज फूड का रिव्यू देना चाहते हैं. हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमें इधर का फूड अच्छा लगा, लाइक जेन्युइनली अच्छा लगा. और अच्छी चीज़ ये है कि मैंने बहुत कैफेज ट्राई करे हैं, बहुत जगह मैंने खाया है एंड यहाँ का जो फूड है वो टेस्ट अलग है और अच्छा है. मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको यार कि अलग है तो बेकार सा है कि कैसा है क्या है करके, बट ये है कि अच्छा है. तो कुछ कहना है? मेडिटेरियन फूड इज एक्चुअली मेडिटेरियन, नॉट इंडियन मेडिटेरियन, दैट्स द फैक्ट. है ना? एंड हमने क्या खाया था? मेडिटेरियन खाया था और क्या खाया था? मेडिटेरियन ग्रीक एंड देन वफल्स. वफल्स आर बेल्जियन. बेल्जियम. और बेल्जियम को वफल्स का हमने बताया था आपको. जो सिरप आता है वो ऑल द वे फ्रॉम कनाडा आता है. तो मतलब हम बैठे बैठे इंडिया में कनाडा के सामान खा रहे थे, पेड़ का जो रस होता है. और बस यही था, पेट हो चुका है एकदम टोटली फुल, टन 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 टन. और अब बस निकलेंगे और फिर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ से. बाकी एक बार यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है. अरे हाय कितना प्यारा लग रहा. चलो अभी चलते. चक्कर आ गए, चक्कर आ गए. खाना खा लिया बहुत. यू गाइस विल लव दिस प्लेस एंड आई मस्ट से यू गाइस शुड विजिट दिस प्लेस, है ना? मज़ा आएगा यहाँ पर आके. एंड अभी हम नीचे आ चुके हैं. बाकी एक बार मैं यहाँ से आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दूँगा. दिस इज हाउ इट लुक्स. नाकोस अच्छा रहा है. चलो फिलहाल यही था. एंड आई मस्ट से कि जो यहाँ के स्टाफ है बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा नेचर है एंड यू नो बात करने का तरीका, सब चीज़ अच्छा है. मैं लाइट में आता हूँ थोड़ा सा. यप. एंड इस व्लॉग को मैं बस यहीं पर ही फिनिश करूँगा. आई होप यू लव दिस प्लेस एंड लव द व्लॉग एज वेल. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू शेयर, शो सम लव, है ना, ताकि और ग्रोथ हो चैनल का, वीडियोज़ को मतलब लोग तक पहुँचे. ठीक है, बाकी मिलेंगे हम दूसरे प्लेस में. कल इसका एग्ज़ाम है तो आई नीड टू ड्रॉप हर बैक टू हर होम ताकि ये जाके पढ़ ले. थोड़ा लाइट में आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा सा आ रहा है ना. आई नीड टू ड्रॉप हर बैक टू हर प्लेस. कौन सा एग्ज़ाम है? एनवायरमेंट. बहुत ईजी है, बहुत एनवायरमेंट में डे स्पेंड किया. तो फिलहाल चलो अभी यही था. कुछ कहना और? नो, दैट्स इट. एनी मोर क्वेश्चंस आस्क इरशाद अबाउट दिस प्लेस. ठीक है, कुछ भी चीज़ पूछना होगा इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह सब चीज़ रहता है. आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो. तो चलो अब मिलेंगे हम दूसरे प्लेस में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.